हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट लेक्चर्स डॉट कॉम। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजेक्शन कॉन्करेंसी कंट्रोल का लास्ट पार्ट। सो वी हैव हमारे पास में लास्ट एक और पार्ट है जो कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स में, और वो प्रोटोकॉल है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। सो इन दिस क्लास में हम टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल और डेडलॉक डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन स्कीम्स, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। सो आउटलाइन क्या है इस लेक्चर की? इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। दो वेरिएशन है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के, बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल और स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। उसके बाद हम देखेंगे डेडलॉक को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि टू फेस लॉकिंग में हमारे पास में एक प्रॉब्लम है, वो है डेडलॉक की प्रॉब्लम। उस डेडलॉक की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं। उसके बाद में वेट डाई एंड वाउंड वेट, ये दो स्कीम्स हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद में स्टारवेशन है, ठीक है। स्टारवेशन एंड डेडलॉक दो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो हम इन इस टॉपिक्स में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं टाइम स्टैम्प से कि टाइम स्टैम्प है क्या। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, द आइडिया फॉर दिस स्कीम इज टू ऑर्डर द ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन देयर टाइम स्टैम्प्स। पहली चीज क्या है, हमने प्रोटोकॉल डिजाइन क्यों किए थे? प्रोटोकॉल डिजाइन इसीलिए किए थे क्योंकि ट्रांजेक्शन को देख के ये पता लगा पाना, एक शेड्यूल को देख के ये पता लगा पाना कि वो सीरियलाइजेबल है या नहीं है। ये प्रॉब्लम जो है वो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते बेसिक कंप्यूटर से। तो इसीलिए हमने क्या कहा, हम ऐसे प्रोटोकॉल डिजाइन करें जो डेफिनेटली आपको सीरियलाइजेबिलिटी देंगे ही देंगे। तो आप अगर वो आप क्या कर सकते हो, उस किसी भी शेड्यूल को ये देख सकते हो कि वो किस उस प्रोटोकॉल के अंडर अलाउड है या नहीं है। तो अगर वो शेड्यूल उस प्रोटोकॉल के रूल्स फॉलो कर रहा है तो वो अलाउड है, और अगर शेड्यूल अलाउड है उस प्रोटोकॉल के अंडर तो वो सीरियलाइजेबल तो है ही है डेफिनेटली, जैसे टू फेस लॉकिंग में हमने देखा था। इसी तरह हमने टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल देख रहे हैं। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल क्यों लेके आए, क्योंकि टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में डेडलॉक की प्रॉब्लम थी। अब हमारे पास में एक नया प्रोटोकॉल है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, इसमें सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में था, शेड्यूल जो है वो सीरियलाइजेबल था अकॉर्डिंग टू उनके लॉक पॉइंट्स। तो लॉक पॉइंट के अकॉर्डिंग आप बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में क्या कर सकते हो, उनको ऑर्डर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू लॉक पॉइंट्स। लेकिन इन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में हम क्या करेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन को एक टाइम स्टैम्प देंगे। जब भी ट्रांजेक्शन सिस्टम के अंदर आएगी उसको एक टाइम स्टैम्प दे दिया जाएगा कि इस टाइम पे ये ट्रांजेक्शन सिस्टम के अंदर आई थी, और टाइम स्टैम्प जो होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। जो ट्रांजेक्शन पहले आएगी उसको पहले टाइम स्टैम्प मिलेगा, जो बाद में आएगी उसको दूसरा टाइम स्टैम्प मिलेगा। तो ऐसे ही जैसे क्लॉक रन कर रही है, और जो क्लॉक जैसे कोई टी 1 सेकंड में एक ट्रांजेक्शन आई तो T1 का टाइम स्टैम्प हो गया 1 सेकंड। ट्रांजेक्शन T2 आई, वो लेट से 10:02 PM पे आई तो उसका टाइम स्टैम्प हो गया 10:02 PM। सो कोई भी ट्रांजेक्शन जो बाद में आएगी तो ऑब्वियसली वो बाद वाले टाइम में ही आएगी, तो टाइम भी इंक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ट्रांजेक्शन को जो टाइम स्टैम्प दे रहे हैं वो टाइम भी अकॉर्डिंग दे रहे हैं। ऐसे बोल सकते हो जैसे लेट से आपके पास में 3 ट्रांजेक्शन है, T1, T2, T3। पहले सिस्टम के अंदर T1 आई, उसको हमने टाइम स्टैम्प दे दिया 10, फिर T2 आई 20, उसके बाद में 30। लाइक दिस हम ट्रांजेक्शन को टाइम स्टैम्प दे रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसी टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंगली आप क्या बोल सकते हो कि ये ओल्डर ट्रांजेक्शन है और ये यंगर ट्रांजेक्शन है। इसी तरह से जैसे दुनिया में जो पहले आया उसकी उम्र कम ज़्यादा होगी तो वो ओल्डर हुआ, जो दुनिया में बाद में आया वो यंगर हुआ और उसकी उम्र भी कम होगी। ओके, तो टाइम स्टैम्प ऐसे हैं। यहाँ पे उम्र का मतलब अलग है, टाइम है, उम्र का मतलब टाइम है। जो कम टाइम में आया वो ओल्डर है, जो ज़्यादा टाइम के बाद आया वो यंगर है। ऐसे बोल सकते हो कि 1980 में जो आया वो ओल्डर होगा, जो 1990 में आया वो यंगर होगा। तो इसी तरह ट्रांजेक्शन है सिस्टम के अंदर, ट्रांजेक्शन दो तरह की होंगी, ओल्डर ट्रांजेक्शन एंड यंगर ट्रांजेक्शन। अब सीरियलाइजेबिलिटी इसका क्या मतलब है? हम कह रहे हैं कि द आइडिया फॉर दिस शेड्यूल इज टू ऑर्डर द ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन देयर टाइम स्टैम्प्स। शेड्यूल आर सीरियलाइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर टाइम स्टैम्प्स। तो हम कह रहे हैं कि जो शेड्यूल्स है, ये शेड्यूल एस है, इसको हम सीरियलाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू उनके टाइम स्टैम्प। पहला टाइम स्टैम्प जिसका होगा पहले वो एग्जीक्यूट होगी, जिसका टाइम स्टैम्प बाद में होगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। तो ये शेड्यूल जो है वो सीरियलाइजेबल है अकॉर्डिंग टू T1, T2, T3। यू कैन एग्जीक्यूट, आप इस शेड्यूल को एग्जीक्यूट कर सकते हो इस ऑर्डर में, अगर ये शेड्यूल अलाउड है टू फेस अलाउड है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के अंदर। अगर ये शेड्यूल टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के सारे रूल्स फॉलो कर रहा है तो आप इसको सीरियलाइज कर सकते हो इस ऑर्डर में टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग, पहले T1, T2, T3। ओके, द एल्गोरिथम मस्ट इंश्योर दैट फॉर ईच आइटम एक्सेस्ड बाय कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन इन द शेड्यूल द ऑर्डर इन विच द डेटा आइटम इज एक्सेस्ड डज नॉट वायलेट द सीरियलाइजेबल ऑर्डर। तो कोई भी
कोई भी ऑपरेशन जो भी इनके अंदर होगा वो इस सीरियलाइजेबल ऑर्डर को इसको वायलेट ना करे। वायलेट करने का मतलब क्या है, ये सीरियलाइजेबल ऑर्डर जो है ये बता रहा है कि T3 जो है वो T1 के बाद ही आ सकता है एंड T3 जो है वो T2 के बाद ही आ सकता है और T2 जो है वो T1 के बाद ही आ सकता है, तो ये सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर है। तो आपके जो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स हैं वो भी इसी ऑर्डर में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे है रीड ए राइट ए, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या है, T1 to T2 कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर ऐसे है T1 to T2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसे हुआ कि यहाँ पर लेट से राइट ऑपरेशन है, तो इस केस में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर कैसे हैं T3 T2, ये कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है 3 3 T2, यानी कि T3 के बाद ही T2 आएगा, T3 से पहले T2 नहीं आ सकता क्योंकि T3 पहले अपडेट कर रहा है और T2 बाद में अपडेट कर रहा है, तो ये इस कंडीशन को वायलेट कर गया। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सीरियलाइजेबल ऑर्डर क्या है कि T3 जो है वो T2 के बाद ही आएगा, सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर ये बोल रहा है। लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या बोल रहे हैं कि T2 जो है वो T3 के बाद आएगा, यानी कि T3 T2 से पहले आ सकता है, तो ये शेड्यूल जो है ये टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के अंडर हम अलाउ ही नहीं करेंगे, इस ऑपरेशन को डिनाई कर देंगे, यही हम यहाँ इस लाइन में कह रहे हैं। सो हम देखते हैं कि टाइम स्टैम्प क्या है। हर एक डेटा आइटम के साथ में दो तरह के टाइम स्टैम्प्स हैं। व्हाट इज टाइम स्टैम्प, हर एक डेटा आइटम के साथ में दो टाइम स्टैम्प होंगे क्योंकि एक डेटा आइटम पे आप दो ही ऑपरेशन कर सकते हो, या तो रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन, दो ही ऑपरेशन होंगे। इसी के हिसाब से दो टाइम स्टैम्प होंगे, रीड टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प, और वो डेटा आइटम के होंगे। टू टाइम स्टैम्प आर एसोसिएटेड विद ईच डेटा आइटम। डेटा आइटम मान लो एक्स है, तो रीड टाइम स्टैम्प एक्स का क्या होगा, द रीड टाइम स्टैम्प ऑफ एक्स द टाइम स्टैम्प ऑफ यंगेस्ट ट्रांजेक्शन विच हैव डन रीड ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम एक्स सक्सेसफुली। यंगेस्ट ट्रांजेक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रखने का। यंगेस्ट ट्रांजेक्शन मीन्स लेट से आपके पास में तीन ट्रांजेक्शन हैं, T1 T2 T3, ये तीन ट्रांजेक्शन हैं और इनकी लेट से आपकी जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, इसकी टाइम स्टैम्प है 10, इसकी 20 एंड इसकी 30। तो इनमें से यंगर ट्रांजेक्शन कौन है, दिस इज द यंगेस्ट ट्रांजेक्शन, और ये है आपकी ओल्डेस्ट ट्रांजेक्शन। तो लेट्स से ऑपरेशन कुछ ऐसे हैं, रीड ए। तो अगर मैं कहूं रीड टाइम स्टैम्प ऑफ क्या होगी, डेटा आइटम ए की, डेटा आइटम ए की रीड टाइम स्टैम्प, दिस मींस रीड टाइम स्टैम्प, रीड टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम ए इनिशियली क्या होगी, 10। इनिशियली सिर्फ T1 ने रीड किया, इनिशियली क्या थी टाइम स्टैम्प, रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए 0 थी। अब पहला ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ रीड ए, तो रीड ऑपरेशन ने क्या कर दिया, रीड टाइम स्टैम्प जो है वो अपडेट कर दी ए की, क्या हो गई है 10, क्योंकि मैं कह रहा हूँ टाइम स्टैम्प ऑफ यंगेस्ट ट्रांजेक्शन, अभी तो यही ट्रांजेक्शन थी सिस्टम के अंदर, तो यंगेस्ट ट्रांजेक्शन यही हुई, तो 10। अब आया T2 का रीड ऑपरेशन, अब T2 जो है वो यंगेस्ट ट्रांजेक्शन है क्योंकि इसका टाइम स्टैम्प 20 है, जिसका टाइम स्टैम्प ज्यादा होगा वो यंगेस्ट होगी, तो इसने टाइम स्टैम्प बढ़ा के कर दिया है 20। अब रीड टाइम स्टैम्प जो ट्रांजेक्शन डेटा आइटम ए का है वो है 20। अब T3 आया, T3 ने कहा रीड ए, अब टाइम स्टैम्प T3 की क्या है 30, क्योंकि यंगेस्ट अब 30 है, तो ये अपडेट हो जाएगा 30। तो इसका मतलब है रीड टाइम स्टैम्प, ये दो लाइन कह रही है, द रीड टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम एक्स टाइम स्टैम्प ऑफ यंगेस्ट ट्रांजेक्शन विच हैव डन रीड ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम एक्स सक्सेसफुली। उसके बाद में सेकंड टाइम स्टैम्प है आपकी राइट टाइम स्टैम्प, राइट टाइम स्टैम्प कह रही है द राइट टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम एक्स टाइम स्टैम्प ऑफ यंगेस्ट ट्रांजेक्शन विच हैव एग्जीक्यूटेड राइट ऑपरेशन सक्सेसफुली ऑन द डेटा आइटम एक्स। सिंपली जैसे टाइम स्टैम्प रीड टाइम स्टैम्प है ऐसे ही राइट टाइम स्टैम्प है। अगर आपके पास में ये ट्रांजेक्शन हैं T1 T2 T3 T4 और इनकी लेट्स से टाइम स्टैम्प है 10 30, टाइम स्टैम्प किसी भी ऑर्डर में दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में टाइम ट्रांजेक्शन से उसी ऑर्डर में होंगी, हो सकता है कि T3 पहले आ गई हो, T2 बाद में आई हो, ऐसे भी हो सकता है। तो ऑपरेशंस ऐसे हैं कुछ, रीड ए राइट ए देन लेट्स से रीड ए राइट ए एंड रीड ए। तो मैं इसमें टाइम स्टैम्प देखता हूं, रीड टाइम स्टैम्प एंड राइट टाइम स्टैम्प क्या होगी। रीड टाइम स्टैम्प डेटा आइटम ए की क्या होगी, इनिशियली 0 थी, पहले रीड किया T1 ने, तो ये अपडेट होके हो गई है 10। अब सेकंड ऑपरेशन राइट, तो राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए क्या हो गई है,
क्योंकि टाइम स्टैम्प ऑफ द यंगेस्ट ट्रांजेक्शन विच हैव एग्जीक्यूटेड राइट ऑपरेशन सक्सेसफुली, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, राइट टाइम स्टैम्प ए की क्या हुई 30, 30 मतलब टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजेक्शन। उसके बाद में अगला ऑपरेशन है रीड ए, रीड ए मतलब रीड टाइम स्टैम्प जो है वो अपडेट होगी, हो सकता है अपडेट हो ना हो, अपडेट होगी मतलब क्या है, अपडेट होगी तब अगर जो टाइम स्टैम्प जो ट्रांजेक्शन रीड ऑपरेशन कर रही है उसका टाइम स्टैम्प जो है वो उससे बड़ा है जो पहले टाइम स्टैम्प था, यानी कि यंगेस्ट ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प से अपडेट करेंगे, क्योंकि इसका टाइम स्टैम्प 20 है और जो प्रेजेंट टाइम स्टैम्प है वो 10 था, तो उसको हम अपडेट कर देंगे। अब अगला ऑपरेशन है राइट ए, राइट ए ऑपरेशन जो कर रहा है वो T1 कर रहा है और T1 का टाइम स्टैम्प है 10 और राइट टाइम स्टैम्प जो है डेटा आइटम ए का पहले से 30 है, इसलिए ये अपडेट नहीं होगा क्योंकि ये ऑर्डर ट्रांजेक्शन जो है वो राइट ऑपरेशन कर रही है, हम कह रहे हैं कि यंगेस्ट ट्रांजेक्शन विच हैव एग्जीक्यूटेड राइट ऑपरेशन सक्सेसफुली, यंगेस्ट ट्रांजेक्शन कौन थी, T2 थी, तो ये अपडेट नहीं होगी। अगला ऑपरेशन है T4 का रीड ऑपरेशन, तो ये रीड ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा और ये रीड टाइम स्टैम्प को अपडेट कर देगा, क्यों अपडेट करेगा, क्योंकि यंगेस्ट ट्रांजेक्शन है 40 टाइम स्टैम्प है इसका, तो 20 से अपडेट हो जाएगा 40, तो फाइनल जो रीड टाइम स्टैम्प एंड राइट टाइम स्टैम्प डेटा आइटम ए की होगी वो होगी 40 एंड 30, तो ये मतलब है रीड टाइम स्टैम्प का और राइट टाइम स्टैम्प का। तो अब हम रेडी हैं बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल को समझने के लिए। तो बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में कुछ रूल्स हैं, बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल सिंपली वो रूल्स बना रहा है, वो रूल्स हमें पता भी हैं, वो रूल्स सिंपली ये कह रहे हैं कि अगर जो भी आप रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन कर रहे हो या जो भी आप कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन कर रहे हो, वो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन जो है वो सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर के खिलाफ ना होना चाहिए, उसको वायलेट ना करें। अगर आपका सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर T1, T2, T3 है, आफ T1 देन T2 देन T3, तो आपके जो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स हैं वो भी उसी ऑर्डर में होने चाहिए। इसने थोड़ा लैंग्वेज जो है वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन सिंपल सी लैंग्वेज में तुमको मैं बताऊँ तो सिंपल ये है। चलो पहले इसको देखते हैं। If read time stamp of x is greater than time stamp of t, और if write time stamp of transaction x or data item x is greater than time stamp of t, क्यों? ये read time stamp of x greater than time stamp of t, इसका मतलब क्या है? ये older है और ये younger है, मतलब कोई older transaction जो है वो write करने की कोशिश कर रही है। t क्या कर रहा है? t issues है write item x operation, older transaction एक राइट ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही है उस डेटा आइटम पे जो पहले से ही किसी यंगर ट्रांजेक्शन ने रीड किया है, या फिर राइट ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही है उस डेटा आइटम पे जो पहले ही यंगर ट्रांजेक्शन अपडेट कर चुका है। इस केस में क्या होगा? अबोर्ट एंड रोल बैक द टी एंड रिजेक्ट द ऑपरेशन, सो ये ऑपरेशन अलाउड नहीं होगा अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। हम क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन टी को रोल बैक कर देंगे क्योंकि अलाउड नहीं है ऑपरेशन। सेकेंड है कि इफ द कंडीशन पार्ट ए डज नॉट अकर, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आप सिंपली इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, अगर केस ये नहीं है तो एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो अलाउड है। और जो आप फाइनली राइट, क्योंकि आप राइट ऑपरेशन कर रहे हो तो राइट ऑपरेशन क्या करता है? टाइम स्टैम्प को अपडेट करेगा, तो जो राइट टाइम स्टैम्प एक्स का होगा अब वो टाइम स्टैम्प ऑफ दिस ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन यंगेस्ट ट्रांजेक्शन है। और सेकेंड जो रूल है वो रूल ये है कि अगर पहला जो रूल था वो था राइट ऑपरेशन के बारे में, दूसरा रूल है रीड ऑपरेशन के बारे में। ट्रांजेक्शन टी इश्यूज है रीड आइटम एक्स ऑपरेशन इफ राइट टाइम स्टैम्प ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन टाइम स्टैम्प ऑफ टी, इसका मतलब क्या है? जो ऑल्डर ट्रांजेक्शन है वो डेटा आइटम एक्स रीड करने की कोशिश कर रही है जो कि पहले से यंगर ट्रांजेक्शन ने राइट कर चुकी है, देन अबोर्ट एंड रोल बैक टी एंड रिजेक्ट द ऑपरेशन। सेकेंड इज सेइंग इफ राइट टाइम स्टैम्प ऑफ एक्स इज लेस देन, अगर इसका उल्टा हुआ तो अलाउ कर सकते हैं, देन एग्जीक्यूट द रीड आइटम एक्स ऑपरेशन ऑन टी एंड सेट रीड टाइम स्टैम्प ऑफ एक्स टू द लार्जर ऑफ टी एस एंड करंट, जिसका भी बड़ा होगा। अगर करंट टाइम स्टैम्प जो है 20 है और जो अभी जो टाइम स्टैम्प जो टी ट्रांजेक्शन रीड करने वाली है उसका टाइम स्टैम्प अगर 30 है तो अपडेट कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम ले रहे हैं लार्जर ऑफ टी एस टी एंड करंट रीड टाइम स्टैम्प ऑफ एक्स। तो ये ऑपरेशन थे बेसिक ट्रांजेक्शन में। टाइम स्टैम्प में हम सिंपली ये कह रहे हैं इफ यंगर ट्रांजेक्शन रीड और राइट द डेटा आइटम देन ओल्डर ट्रांजेक्शन इज नॉट अलाउड टू मॉडिफाई। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई वे में करूं, इन रूल्स को अगर मैं और सिंपल वे में कहूं, तो ये रूल सिंपल वे में ऐसे बोल सकते हो रूल वन क्या कह रहा है, ट्रांजेक्शन T1 इश्यूज
a write item x, a write operation on the data item x. ठीक है, वो कंडीशन कैसे हैं? लेट से दो ट्रांजेक्शन है T1, T2. T2 ने रीड किया है डेटा आइटम A को और T1 जो है वो राइट डेटा आइटम A पे रिक्वेस्ट कर रहा है और कुछ जो टाइम स्टैम्प है वो ऐसे हैं 10, 20. तो T2 जो है वो यंगर ट्रांजेक्शन है, T1 क्या हुई ओल्डर ट्रांजेक्शन. ये रिक्वेस्ट ऑपरेशन कर रहा है जो हम लाइन बोल रहे हैं, ये लाइन ट्रांजेक्शन T1 इश्यूज है राइट ऑपरेशन, ये और राइट ऑपरेशन इश्यू हुआ है. अब टाइम जो आपका बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल है इसको ये डिसाइड करना है कि ये राइट ऑपरेशन मैं अलाउ करूँ या ना करूँ. तो वो रूल लगाएगा. रूल क्या है? रूल उसने कहा कि अगर लेट से रीड टाइम स्टैम्प ऑफ दिस डेटा आइटम इज ग्रेटर देन द टाइम स्टैम्प ऑफ T1. इसका मतलब ये, अगर किसी यंगर ट्रांजेक्शन ने इसको A को अभी अभी रीड किया है तो आप उसको अपडेट नहीं कर सकते हो. देन रिजेक्ट. ये बहुत सेंसिबल भी है. रिजेक्ट करोगे और रोल बैक कर दोगे T1 को और अगेन स्टार्ट करोगे विद द न्यू टाइम स्टैम्प. T1 जो है वो रोल बैक कर दी जाएगी, इस ऑपरेशन को हम रिजेक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू रूल और इसको ट्रांजेक्शन T1 को रोल बैक कर देंगे और दोबारा से जब ट्रांजेक्शन T1 स्टार्ट करेगी वो नए टाइम स्टैम्प के साथ में स्टार्ट करेगी, यानी कि अब 30 के साथ में आएगी वापस. ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो ट्रांजेक्शन T1 T2 है वो सीरियलाइजेबल है अकॉर्डिंग टू टाइम स्टैम्प्स. तो टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग सीरियलाइजेबल ऐसे हैं T1 T2, लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर कैसे हैं T2 T1. इसीलिए ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है सीरियलाइजेबल ऑर्डर में और आपके कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स में. पहला रूल ये था सिंपली. सेकेंड रूल क्या कह रहा है? बी रूल कह रहा है इफ राइट टाइम स्टैम्प ऑफ दैट डेटा आइटम इज ग्रेटर देन डेटा टाइम स्टैम्प ऑफ T1 देन रोल बैक T1. जो हमने अभी बात की वो बात की थी रीड ऑपरेशन के बारे में, अभी बात करते हैं राइट ऑपरेशन के बारे में. T1 T2 टाइम स्टैम्प है 10, 20. अगर यहाँ पे राइट ऑपरेशन था मतलब यंगर ट्रांजेक्शन ने पहले ही राइट किया हुआ है और अब जो आपकी T1 है वो रिक्वेस्ट कर रही है राइट ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पर भी रीड राइट हो सकता है, यहाँ पर भी रीड राइट हो सकता है, इसीलिए हमारे पास में फोर केसेस है हमारे पास में. तो अगर कंडीशन ऐसे हैं और उन फोर केसेस में से तीन केसेस जो हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स है, रीड राइट, राइट रीड, राइट राइट और रीड रीड कोई कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होता है, तो राइट राइट कॉन्फ्लिक्टिंग है. अगर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन रिक्वेस्ट कर रहा है तो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल अपना रूल चेक करेगा. रूल चेक क्या है? राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए इज ग्रेटर देन टी टाइम स्टैम्प ऑफ T1. अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए क्या है, टाइम स्टैम्प ऑफ रीड राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए इज यंगेस्ट ट्रांजेक्शन विच हैव एग्जीक्यूटेड राइट ऑपरेशन. तो यंगेस्ट ट्रांजेक्शन ये है 20 है और जो रिक्वेस्ट कर रहा है राइट ऑपरेशन ट्रांजेक्शन T1 उसकी क्या है टाइम स्टैम्प 10. अब ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यस 20 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू. इसको हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट. ऑपरेशन रिजेक्ट करो, ट्रांजेक्शन T1 को रोल बैक कर दो. ये सेकेंड केस है और सिंप्लीफाइड वे में. सी केस क्या है? सी केस ये है कि अदरवाइज अलाउड. अगर ये दोनों केस आपके फॉल्स हैं, फॉल्स कब होंगे? अगर बस इनके जो टाइम स्टैम्प है वो उल्टे कर दो. उल्टे कैसे? अगर मैंने कहा T1, T2 और यहाँ पर है 20 और यहाँ पर 10, यहाँ पर अगर कोई रीड राइट ऑपरेशन है और ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन क्या होगा यहाँ पर? अगर रीड है तो यहाँ पे राइट और राइट है तो यहाँ पे रीड. तो अगर यहाँ पे आप कोई राइट ऑपरेशन कर रहे हो तो ये अलाउड कर दिया जाएगा. क्यों? क्योंकि केस क्या हो रहा है? रीड टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम ए क्या है 10 एंड टाइम स्टैम्प ऑफ T1 क्या है 20. तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि राइट टाइम स्टैम्प तो रीड टाइम स्टैम्प तो क्या हुई 10 एंड टाइम स्टैम्प ऑफ T1 क्या हुई 20. तो वो कंडीशन जो थी कि रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए इज ग्रेटर देन टाइम स्टैम्प ऑफ T1 तो रिजेक्ट कर दो. ये कंडीशन तो फॉल्स ही होगी, रीड टाइम स्टैम्प 10 है और ये 20 है, तो ये ऑपरेशन अलाउड कर दिया जाएगा इस केस में. ठीक है, ये है आपके पहला केस जिसमें अगर जो ट्रांजेक्शन T1 है वो अगर राइट ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही है, अगर ट्रांजेक्शन T1 रीड करने की कोशिश करती है. लेट्स से सेकंड केस क्या था? सेकंड में हम कह रहे थे ट्रांजेक्शन T1
issues a read operation on data item A. ठीक है, इसमें भी दो केसेस बनेंगे. पहला केस क्या होगा, राइट टाइम स्टैम्प देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि रीड ऑपरेशन कर रहा है तो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या होगा, राइट. इफ राइट टाइम स्टैम्प ऑफ दिस डेटा आइटम ए इज ग्रेटर देन टाइम स्टैम्प दिस ट्रांजेक्शन टी वन विच इज ऑफ इशूइंग द रीड ऑपरेशन, देन रिजेक्ट. रिजेक्ट क्यों, कंडीशन कैसे है, ये सिचुएशन कुछ ऐसे है, सिचुएशन ऐसे है कि टी वन टी टू और इसने किया, लेट्स से राइट ऑपरेशन किया हुआ है इसने और ये रीड रिक्वेस्ट कर रहा है टी वन, टी वन इश्यूज है रीड ऑपरेशन, टी वन इश्यूज है रीड ऑपरेशन. अब ये ऑपरेशन आया टी वन का, अब टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल क्या करेगा, लेट्स से इनके टाइम स्टैम्प से 10 20 टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल जो है वो इस रूल को चेक करेगा. राइट टाइम स्टैम्प क्या है, ये कि 20, टाइम स्टैम्प ऑफ दिस ऑपरेशन इज टी वन इज 10, कंडीशन ट्रू हुई क्योंकि 20 ग्रेटर देन 10 है तो रिजेक्ट कर दो. रिजेक्ट क्यों हो रहा है, ये बिल्कुल सेंसिबल भी है क्योंकि जो आपका सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर है वो है T1 टू T2, कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है T2 टू T1, सो ये रिजेक्ट कर दिया. अदरवाइज बी केस क्या होगा, अलाउड. अदरवाइज अलाउड, ओके. अदरवाइज क्या होगा मतलब कंडीशन कुछ ऐसे होगी, T1 T2 यहाँ पे 20 टाइम स्टैम्प है और यहाँ पे 10 है, ऑपरेशन ऐसे ही है जिससे पहले थे, मैंने बस टाइम स्टैम्प उल्टी कर दी है क्योंकि अब क्या होगा, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए होगा 10 एंड टाइम स्टैम्प ऑफ T1 क्या होगा, जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है रीड ऑपरेशन, 20. तो अब क्या होगा, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए इज एक्चुअली लेस देन टाइम स्टैम्प ऑफ T1, जो उस कंडीशन का उल्टा है, इस कंडीशन का उल्टा है, तो आप इसको अलाउ कर दोगे. ये सेंसिबल भी है क्यों, क्योंकि ये शेड्यूल सीरियलाइजेबल है अकॉर्डिंग टू इनके टाइम स्टैम्प्स. कैसे होंगे सीरियलाइजेबल, T2 टू T1, पहले T1 एग्जीक्यूट होगा, T2 एग्जीक्यूट होगा, फिर T1 होगा, क्योंकि पहले T2 आया फिर T1 आया है टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग. कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर भी कैसे हैं, T2 टू T1, तो नो प्रॉब्लम, आप इसको अलाउ कर सकते हो. तो यह है बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल और भी सिंपल लैंग्वेज में. तो बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ एडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस क्या क्या हैं, पहली चीज़ हम जानते ही हैं, बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल जो है वो डेडलॉक फ्री है. सेकंड ये है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी तो इंश्योर हो ही रही है और इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल जो होगा वो टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंगली सीरियलाइजेबल होगा. डिसएडवांटेज क्या है, वही जो आपकी बेसिक टाइम स्टैम्प जो कि आपकी टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में थी. डिसएडवांटेज है कि बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में इररिकवरेबल शेड्यूल पॉसिबल है, हम देखेंगे कैसे. और बेसिक टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल स्टारवेशन फ्री भी नहीं है. बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल या कोई भी टाइम स्टैम्पिंग ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल हो, उसमें स्टारवेशन तो होगा ही होगा, लेकिन बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में एक प्रॉब्लम हो रही है कि वो इररिकवरेबल शेड्यूल्स को अलाउ कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेफिनेशन देखता हूँ रिकवरेबिलिटी की, रिकवरेबिलिटी की डेफिनेशन ये है, T1 T2 लेट्स से यहाँ पर है आपका राइट ए ऑपरेशन और यहाँ पर है रीड ऑपरेशन और ये कमिट और ये कमिट. लेट्स से आपकी जो टाइम स्टैम्प है वह है 10 20. तो अकॉर्डिंग टू टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल ये अलाउ है, ये अलाउड होगा टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में, बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में अलाउड. क्यों, क्योंकि लेट्स से T1 ने क्या है, T1 ने इशू किया है राइट ऑपरेशन और T2 जो है वो पहले से ही रीड कर चुका है. और ये कैसे हो सकता है कि T2 ने इशू किया है रीड ऑपरेशन और T1 जो है वो राइट करके बैठा हुआ है, तो हम क्या करते हैं टाइम स्टैम्प, रीड टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम ए इज 10 एंड टाइम स्टैम्प ऑफ दैट ट्रांजेक्शन विच इज रिक्वेस्टिंग द ऑपरेशन इज 20. सो 20 इज ग्रेटर देन 10 विच मीन्स अलाउड होगा. सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर क्या है, T1 टू T2, कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर भी क्या है, T1 टू T2, सो अलाउड है, लेकिन ये रिकवरेबल नहीं है. T2 डिपेंड्स ऑन T1, देख सकते हैं T2 डिपेंड कर रहा है T1 पे, तो T1 को पहले कमिट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे T2 पहले कमिट हो रहा है. ये बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के अंदर अलाउड है, बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल जो है इसको अलाउ कर देगा एग्जीक्यूट करने में, लेकिन ये इररिकवरेबल है. सो ये प्रॉब्लम है बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के अंदर के इररिकवरेबल शेड्यूल हो सकते हैं. इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने एक नया प्रोटोकॉल डिजाइन किया, स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल.
और इसका मेन गोल यही है कि हमें स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल मिले। ओके, जो प्रॉब्लम थी बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के अंदर, वो इसने इसने ख़त्म कर दी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि इररिकवरेबल शेड्यूल मिल रहे थे, तो इसने कहा, छोटा सा मॉडिफिकेशन किया कि बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के सारे रूल्स रहेंगे वही सब इसके अंदर भी, बस एक मॉडिफिकेशन होगा अगर ऑपरेशन अलाउ कर दिया गया। अगर ऑपरेशन रिजेक्ट कर दिया तो बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में ही नहीं है। तो अगर ऑपरेशन अलाउ कर दिया गया तो जो ऑपरेशन आपने अलाउ किया है उसको थोड़ा डिले करो। डिले कहाँ तक करो, इसके कमिट ऑपरेशन के बाद में ही वो एग्जीक्यूट हो। इफ राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए इज लेस देन टाइम स्टैम्प ऑफ टी, देन ट्रांजेक्शन टी शुड डिले रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन अंटिल कमिट रोल बैक ऑफ ट्रांजेक्शन टी दैट हैज परफॉर्म द राइट ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम ए। मतलब क्या करोगे आप, मतलब कुछ अगर कंडीशन कुछ ऐसे हैं, टी वन टी टू दो आपके पास में ट्रांजेक्शन हैं और राइट ऑपरेशन, उसके बाद में इसने कमिट किया, यहीं पर आप इसके कमिट करने के बाद में ही रीड राइट कर सकते हो। और ट्रांजेक्शन जोन के ऑपरेशन जोन के टाइम स्टैम्प से वो है 10:20। दिस रीड और राइट इज अलाउड, वाई इट इज अलाउड, क्योंकि यंगर ट्रांजेक्शन कर रही है, यंगर ट्रांजेक्शन कर रही है तो अलाउड है। तो टी वन ने पहले अपडेट किया, इसके कमिट करने के बाद ही ये रीड ए या फिर राइट ए करेगा। तो टाइम स्टैम्प बेसिक स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में आपने क्या किया, अगर ऑपरेशन अलाउड है करना, अगर टाइम बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल ने अलाउ कर दिया है कि ऑपरेशन अलाउड है, तो उसको थोड़ा डिले करो और कमिट ऑपरेशन के बाद ही करो। यानी कि जो यंगर ट्रांजेक्शन जो पहले जिसने उसको अपडेट किया है उसके कमिट ऑपरेशन के बाद ही रीड या राइट करें। यह स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। सो समरी में हम देख सकते हैं कि सीरियलाइजेबिलिटी और आपकी स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल कैसे रिलेटेड है। यह है आपकी व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स, उनके सबसेट में है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स, उनके सबसेट में है बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, फिर उसके अंडर है स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। ऑल द टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल्स आर बेसिक टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल एंड आर सीरियलाइजेबल, बट एनी टाइम एनी प्रोटोकॉल एनी शेड्यूल विच इज बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल मे नॉट बी टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। ओके, सो आप इसमें से कुछ सेंटेंसेस निकाल सकते हैं। वो सेंटेंसेस कैसे होंगे, इफ ए शेड्यूल इज अलाउड अंडर स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल देन इट इज सीरियलाइजेबल। ओके, अब इसका काउंटर पॉजिटिव क्या होगा, इफ ए शेड्यूल इज नॉट सीरियलाइजेबल इट इज नॉट अलाउड अंडर बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल और स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। इफ ए शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल देन इट मे बी और मे नॉट बी अलाउड अंडर टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। फॉर एग्जाम्पल आपका शेड्यूल यहाँ पर है कहीं और यहाँ पर है कहीं, तो ये जो शेड्यूल है ये व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के अंडर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये शेड्यूल सीरियलाइजेबल है लेकिन ये अलाउड नहीं है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के अंडर। अगर कोई शेड्यूल यहाँ पर है तो वो अलाउड है बेसिक टू टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के अंडर, क्योंकि ये सीरियलाइजेबिलिटी के अंडर है सब कुछ, तो शेड्यूल सीरियलाइजेबल भी है। अगर कोई यहाँ पर है तो वो स्ट्रिक्ट भी है, बेसिक भी है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी है, व्यू सीरियलाइजेबल भी है, क्योंकि ऑल द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स आर व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स एंड ऑल द स्ट्रिक्ट टू फेस स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल आर बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल एंड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स एंड व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स। सो रिलेशन ऐसे हैं कुछ सीरियलाइजेबिलिटी के और टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के बीच में। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, अब हम मूव करेंगे थॉमस राइट रूल की तरफ। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा थॉमस राइट रूल, एंड थॉमस राइट रूल कुछ नहीं है, सिंपल एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के एक रूल में। अगर आपको याद हो, हमने एक रूल देखा था बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल का, और वो रूल था ट्रांजिशन टी इश्यूज ए राइट आइटम एक्स। ठीक है, तो इस केस में अगर कोई किसी भी यंगर ट्रांजेक्शन ने रीड ऑपरेशन किया हुआ है पहले ही या राइट ऑपरेशन किया हुआ है पहले ही, तो हम क्या कर रहे थे, इसको इस ट्रांजेक्शन टी को ही रोल बैक कर देते हैं, देन अबॉर्ट एंड रोल बैक ट्रांजेक्शन टी एंड रिजेक्ट द ऑपरेशन। अब हमने मॉडिफिकेशन क्या किया है, मॉडिफिकेशन हमने कहा कि अगर कोई ओल्डर ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये ओल्डर ट्रांजेक्शन हुई, इसका टाइम स्टैम्प लेस देन है राइट टाइम स्टैम्प से, किसी यंगर ट्रांजेक्शन ने इसको अपडेट किया है और ओल्डर ट्रांजेक्शन अपडेट करने की कोशिश कर रही है, अगर ओल्डर ट्रांजेक्शन अपडेट करने की कोशिश कर रही है तो एक्चुअल में कोई आउटडेटेड वैल्यू अपडेट कर रही है, क्योंकि ओल्डर ट्रांजेक्शन अपडेट करेगी तो आउटडेटेड वैल्यू अपडेट करेगी, और यंगर ट्रांजेक्शन जो अपडेट करेगी वो अपडेटेड वैल्यू से अपडेट करेगी। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन को रोल बैक करने के बजाय आप क्या करो, सिंपली इस राइट ऑपरेशन को ही इग्नोर कर दो,
सिर्फ इस राइट ऑपरेशन को इग्नोर करो, पूरा ट्रांजेक्शन रोल बैक करने की जरूरत नहीं है। यही राइट टाइम, यही आपका थॉमस राइट रूल कह रहा है। थॉमस राइट रूल क्या कह रहा है, इफ ट्रांजेक्शन टी आई, वही रूल है पहले वाला रूल, इफ ट्रांजेक्शन टी आई इश्यूज ए राइट ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम क्यू, अगर ट्रांजेक्शन टी आई का टाइम स्टैम्प जो है वो लेस देन है रीड टाइम स्टैम्प क्यू से, देन रोल बैक टी आई। इस रीड वाले केस में तो हम टाइम वही करेंगे, रोल बैक ही करेंगे, बस राइट वाले केस में इफ ट्रांजेक्शन टी आई इज लेस देन राइट टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू देन इग्नोर राइट ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूरा रोल बैक करने के बजाय सिर्फ इग्नोर करो इस राइट ऑपरेशन को, बिकॉज टी आई इज अटेम्प्टिंग टू राइट एन ऑब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि अगर कोई भी ओल्ड ट्रांजेक्शन कोई राइट करेगी तो वो आउटडेटेड वैल्यू राइट कर रही होगी जो कि हमें जरूरत नहीं होगी। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर बाद में आएगी वो यंगर ट्रांजेक्शन होगी, और यंगर ट्रांजेक्शन को जो है हमेशा अपडेटेड वैल्यू चाहिए होगी। केस कुछ ऐसे हैं, ये T1 है, T2, और आपके पास में टाइम स्टैम्प है 10:20, T2 ने पहले कोई रीड ऑपरेशन किया हुआ डेटा आइटम क्यू पर और राइट क्यू। तो अब पहले क्या हो रहा था, अभी ये कंडीशन है कि T1 जो है वो ओल्डर ट्रांजेक्शन राइट करने की कोशिश कर रही है, तो ये तो रोल बैक ही करेंगे। इस केस में तो हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है क्योंकि ओल्डर ट्रांजेक्शन राइट करने की कोशिश कर रही है उस डेटा आइटम को जिसको पहले ही यंगर ट्रांजेक्शन रीड कर चुकी है, ये अलाउड नहीं है। लेकिन अगर केस कुछ ऐसे हो, T1 T2 10:20, T2 यंगर है, T1 ओल्डर है, यहाँ पे राइट क्यों, ये वाला केस हमने मॉडिफाई किया है थॉमस राइट रूल में। सिर्फ इस रूल में हमने क्या किया है, पहले रूल क्या था, पहले ये था कि इसको रोल बैक कर दो, अगर T1 रीड या राइट कर रहा है उस ऑपरेशन को, अगर यहाँ पे यंगर ट्रांजेक्शन ने रीड किया है या राइट किया है और ओल्डर ट्रांजेक्शन अपडेट करने की कोशिश करती है तो उसको इग्नोर कर दो, लेकिन यहाँ पे उसको रोल बैक कर दो ट्रांजेक्शन को ही, लेकिन यहाँ पे पूरी ट्रांजेक्शन को रोल बैक नहीं करेंगे, सिर्फ इस राइट ऑपरेशन को इग्नोर कर दो। ये छोटा सा मॉडिफिकेशन है क्योंकि ये कुछ वैल्यू अपडेट कर रहा होगा, ये ओल्डर ट्रांजेक्शन है जो कि अपडेट कर रही है, ये कोई ऑब्सोल्यूट वैल्यू अपडेट कर रही है जो कि जरूरत नहीं है। अब कोई भी ट्रांजेक्शन आएगी यहाँ पर, T3 आई, इसका 30 था, तो अगर ये रीड भी करेगी, लेट से ये रीड क्यों करती है, तो ये एक्चुअल में अपडेटेड वैल्यू रीड करेगी, ये वो वैल्यू अपडेट करेगी जो यंगर ट्रांजेक्शन ने अपडेट की है, ना कि जो ओल्डर ने, तो उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये राइट क्यू ऑपरेशन अगर हम करें भी तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डेटाबेस पे, क्योंकि वो अब कोई ऑब्सोल्यूट वैल्यू अपडेट कर रहा होगा, तो इसलिए हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं इसके बजाय कि हम पूरा का पूरा ही रोल बैक करें। तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, थॉमस राइट रूल ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के एक रूल में, ये है थॉमस राइट रूल। अब नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है डेडलॉक एंड स्टार्वेशन। सो डेडलॉक को डिस्कस करते हैं, डेडलॉक हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं। डेडलॉक को हम हैंडल करने के लिए डेडलॉक डिटेक्शन टेक्निक यूज कर सकते हैं एंड डेडलॉक प्रिवेंशन। तो हम पहली चीज ये कर सकते हैं कि हम ऐसा कुछ कर दें कि डेडलॉक आए ही ना। अगर दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर डेडलॉक आ गया तो उसको डिटेक्ट करो और कोई प्रिवेंशन एल्गोरिथम लगाओ। तो हम क्या कर सकते हैं, तो डेडलॉक आए ही ना ऐसा कुछ कर सकते हैं, यानी कि डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक ला सकते हैं। और दूसरा केस ये कि अगर डेडलॉक आ जाए तो उसके साथ में क्या करना है। अगर डेडलॉक आ जाए मतलब क्या है, अगर आपको पता कैसे चलेगा कि डेडलॉक आ गया है, डेडलॉक डिटेक्शन टेक्निक के थ्रू। डेडलॉक डिटेक्शन टेक्निक क्या है कि आप वेट फॉर ग्राफ बना सकते हो ट्रांजेक्शन का, अगर वेट फॉर ग्राफ में साइकिल है तो वो डेडलॉक है उसके अंदर, और डेडलॉक को अगर आपको चल गया है पता कि डेडलॉक है तो उसको हैंडल कैसे करना है, उसको रन टाइम पे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डेडलॉक अकर्स व्हेन ईच ट्रांजेक्शन टी इन द सेट ऑफ टू और मोर ट्रांजेक्शन इज वेटिंग फॉर सम आइटम दैट इज लॉक्ड बाय सम अदर ट्रांजेक्शन टी इन द सेट, हेंस ईच ट्रांजेक्शन इन द सेट इज ऑन ए वेटिंग क्यू वेटिंग फॉर वन ऑफ द अदर ट्रांजेक्शंस इन द सेट टू रिलीज द लॉक ऑन एन आइटम। सो इसमें क्या हो रहा है, आपके पास में बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, T1 T2 T3, इस तरह से TN तक ट्रांजेक्शन है। तो इस ये पूरा सेट है एक ट्रांजेक्शन का, इसमें क्या हो रहा है, साइक्लिक वेट है। T1 जो है वो T2 के लिए वेट कर रहा है, T2 T3 के लिए वेट कर रहा है, T3 T4 के लिए, TN-1 TN के लिए, एंड TN जो है वो T1 के लिए वेट कर रहा है। तो ये साइक्लिक वेट हो गई। तो इस केस में क्या है, डेडलॉक है, क्योंकि T1 किसी लॉक के लिए वेट कर रहा है जो कि लॉक T2 ने होल्ड किया हुआ है, और T2 किसी लॉक के लिए वेट कर रहा है जो कि T3 ने होल्ड किया हुआ है। तो डेडलॉक की जो प्रॉब्लम है वो टू फेस लॉकिंग में है, और जो आपका टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल है वो पहले से ही डेडलॉक फ्री है। तो जो डेडलॉक की प्रॉब्लम है वो टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में है, उसी के थ्रू उसी को हमें हैंडल करना है। तो टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में हमारे पास में कई सारे ऑप्शन है कि हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल यूज करो,
कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल जो है वो डेडलॉक फ्री है, और कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल कहता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन है T1 और उसको डेटा आइटम जरूरत, जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो उसको 4 डेटा आइटम की जरूरत पड़ेगी, तो कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल कहता है कि स्टार्ट होने से पहले ही इन सब पे लॉक कर लो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ट्रांजेक्शन टी स्टार्ट होने से पहले इन सबको लॉक कर लेगा, लॉक करने की कोशिश करेगा। अगर एक भी डेटा आइटम लॉक नहीं किया जा सकता स्टार्ट होने से पहले, तो आप कोई भी लॉक नहीं करोगे, या तो सारे लॉक होंगे या फिर एक भी लॉक नहीं होगा। तो यही हम क्या कह रहे हैं कि लॉक ऑल द आइटम्स इट नीड्स इन एडवांस, पहले ही एडवांस में सब कुछ लॉक कर लो, विच इज जनरली नॉट ए प्रैक्टिकल अजम्पशन, क्योंकि अब क्या होगा, कॉन्करेंसी का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली। इफ एनी ऑफ द आइटम्स कैन नॉट बी ऑब्टेंड, नन ऑफ द आइटम्स आर लॉक्ड, मतलब अगर एक भी आइटम लॉक नहीं किया जा सकता तो कोई भी लॉक नहीं करोगे, सबको छोड़ दोगे और वेट करोगे फिर से उनके फ्री होने का, और थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करोगे। तो कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग मतलब क्या है कि पहले से कंजर्व कर ले रहे हैं सारी रिसोर्सेज को, और अगर सारी रिसोर्सेज मिल गई तो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो, अगर एक भी नहीं मिल पा रही है तो सबको छोड़ देंगे और एक भी होल्ड नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यही हो रहा है कि रिसोर्सेज को जो है मल्टीपल ट्रांजेक्शन यूज नहीं कर पाएंगे सेम टाइम पे, उससे क्या हो रहा है कि कॉन्करेंसी का जो लेवल है वो घट जाएगा। ये पहला सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन टू है हमारे पास में कि डेडलॉक प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स यूज कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे पास में दो प्रोटोकॉल है डेडलॉक को प्रिवेंट करने का। पहला है वेट डाई, वेट डाई प्रोटोकॉल जो है वो नॉन प्रिमिटिव प्रोटोकॉल है। वाउंड वेट वो प्रिमिटिव प्रोटोकॉल है। नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव का मतलब क्या है इनकी डेफिनेशन देखेंगे। नॉन प्रिमिटिव मीन्स अगर कोई इस प्रोटोकॉल में एक ट्रांजेक्शन T1 है और T2 है, T1 T2 दोनों डेडलॉक में है, तो T1 जो है वो T2 को डिस्टर्ब नहीं करेगी, इस केस में वो उससे रिसोर्स छीन सकती है वाउंड वेट में, यानी कि प्रिमिटिव प्रोटोकॉल में। कहीं भी अगर प्रिमिटिव वर्ड आता है इसका मतलब यही है कि वन प्रोसेस कैन स्नैच द रिसोर्सेज फ्रॉम अनदर प्रोसेस, मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो एक प्रोसेस से प्रिम्प्ट की जा सकती है, उसे छीनी जा सकती है, वी कैन स्नैच दैट। सपोज दैट, ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसके बेसिस पे अगले दो प्रोटोकॉल्स हैं। ये कंडीशन है हमारे पास में, इनिशियल कंडीशन ये है कि TI कोई ट्रांजेक्शन है और वो ट्राई कर रही है डेटा आइटम X को लॉक करने की, जो कि पहले से TJ ने लॉक किया हुआ है किसी कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक पे। कंडीशन कुछ ऐसे है, ट्रांजेक्शन TI है और TJ है। TI ने कोई डेटा आइटम X पहले से लॉक किया हुआ है शेयर्ड लॉक में, लेट्स से शेयर में या फिर एक्सक्लूसिव लॉक में, शेयर्ड मोड में भी हो सकता है और एक्सक्लूसिव मोड में हो सकता है, और TI जो है उसी सेम डेटा आइटम को एक्सक्लूसिव मोड में लॉक करने की कोशिश कर रही है। कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक्स, शेयर्ड एक्सक्लूसिव जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक है। तो TI ट्राई कर रही है डेटा आइटम A को लॉक करने की, ये रिक्वेस्ट कर रही है। अब क्या करेगा, अब हमें इसके साथ में क्या करना है, दो आपके पास में दो ऑप्शंस हैं, या तो ये वेट करे या फिर ये अबॉर्ट कर जाए। ठीक है, पहला पहला जो केस है, पहला क्या है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है TI इस लॉक को, जो कि पहले से TJ ने होल्ड किया हुआ है, उसको छोड़ा नहीं उसने अभी। तो इस ट्रांजेक्शन के पास में दो ऑप्शन है, या तो ट्रांजेक्शन वेट करें कि TJ कब लॉक छोड़ेगा, या फिर ये अबॉर्ट कर जाए, यानी कि रोल बैक कर जाए और बाद में दोबारा से आए पूरी ट्रांजेक्शन ही। या फिर दूसरा केस क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जो TI है वो ट्रांजेक्शन जो है इससे लॉक छीन ले, ओके, इससे लॉक छीन ले या फिर वेट करे। दो तरीके हैं। तो इन्हीं दो तरीके के बेसिस पे हमारे पास में दो प्रोटोकॉल्स है, वेट डाई जो मैंने पहले बताया कि या तो वेट करो या फिर अबॉर्ट कर जाओ, ये नॉन प्रिमिटिव है। जब ये वेट कर रहा है या अबॉर्ट कर रहा है तो ये TG को कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि नॉन प्रिमिटिव प्रोटोकॉल है। वाउंड वेट में हम कह रहे हैं कि या तो इससे छीन लेगा या वेट करेगा, वो डिपेंड करेगा कि टाइम स्टैम्प क्या होगा। टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, यहाँ पे टाइम स्टैम्प यूज होगा एक वर्ड, ये टाइम स्टैम्प जो है इसको टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल से बिल्कुल भी रिलेट मत करना, क्योंकि ये टाइम स्टैम्प अलग है। जब हम डेडलॉक की बात कर रहे हैं तो हम एक्चुअली में टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में डेडलॉक की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल है वो तो पहले से डेडलॉक फ्री है। तो इसमें हम टाइम स्टैम्प यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डेडलॉक सिचुएशन क्या होगी, अगर मैं इसको इमेजिन करूँ, डेडलॉक सिचुएशन कुछ ऐसे होगी, T1 है T2 है, यहाँ पर लेट्स से राइट ऑपरेशन है और यहाँ पे है रीड बी, यहाँ पे है राइट बी और यहाँ पर है रीड ए। ऑपरेशन कुछ ऐसे हैं, टू फेस लॉकिंग का यूज करके इसमें लॉकिंग करने की कोशिश करते हैं। T1 को डेटा आइटम A लॉक करना है एक्सक्लूसिव मोड में, क्योंकि इसको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये हम अलाउ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि A को पहले किसी ने लॉक नहीं किया हुआ है। रीड बी, इसको सिर्फ रीड करना है तो शेयर्ड लॉक लगा देंगे और ये भी अलाउड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पे आप अनलॉक नहीं कर सकते हो बी को, क्योंकि आपको लॉक भी करना है। हम टू फेस लॉकिंग यूज़ कर रहे हैं, अभी ग्रोइंग फेस चल रहा है तो इसमें अनलॉकिंग नहीं हो सकती। अब ये कोशिश करेगा इसको लॉक करने की एक्सक्लूसिव मोड में, क्योंकि इसको राइट करना है बी पर, लेकिन ये लॉक आइट जो है वो डिनाई कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बी को पहले से लॉक किया हुआ है ट्रांजेक्शन टी टू ने, वो भी शेयर्ड मोड में, तो ये आपके कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक से, तो ये डिनाई कर देंगे। अब ये टी टू आगे बढ़ेगा और ये इसको शेयर्ड मोड में लॉक करने की कोशिश करेगा, ये भी डिनाई कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ए को पहले से ही टी वन ने लॉक किया हुआ है एक्सक्लूसिव मोड में, तो ये अलाउ नहीं कर सकते। अब होगा क्या, दो ट्रांजेक्शन है टी वन टी टू, टी वन जो है वो वेट कर रहा है टी टू का कि कब वो डेटा आइटम बी को छोड़ेगा, और टी टू वेट कर रहा है टी वन के लिए कि कब वो डेटा आइटम ए को छोड़ेगा। तो टी वन टी टू एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, ना तो टी वन आगे बढ़ पा रहा है ना टी टू वेट आगे बढ़ पा रहा है, तो ये कंडीशन हो गई डेडलॉक की। क्योंकि आपके वेट फॉर ग्राफ में डेडलॉक है, वेट फॉर ग्राफ में आपके साइकिल है तो डेडलॉक है। अब इसको हैंडल कैसे करना है, दो दो अप्रोच है, वेट डाई या फिर वाउंड वेट। वेट डाई में हम क्या कह रहे हैं, इफ टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई इज लेस देन टी जे, तो ये क्या हुआ, टाइम स्टैम्प टी आई का अगर लेस देन टी जे है तो मुझे पता है कि ये ओल्डर है और ये यंगर है। जिसका टाइम स्टैम्प ज्यादा होगा वो यंगर, जिसका टाइम स्टैम्प कम वो ओल्डर। मुझे पता है कि जो पहले आई होगी उसका टाइम स्टैम्प कम होगा और जो बाद में आई होगी उसका टाइम स्टैम्प ज्यादा होगा। तो अब क्या हो रहा है, टी एस टी आई लेस देन टी एस टी जे, देन टी आई इज ओल्डर देन टी जे। मुझे पता है टी आई जो है वो ओल्डर देन टी जे है, तो टी आई इज अलाउड टू वेट। तो मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ कि ओल्डर ट्रांजेक्शन इज अलाउड टू वेट, ओल्डर ट्रांजेक्शन इज अलाउड टू वेट। अब क्या है, अदरवाइज टी आई इज यंगर देन टी जे, अदरवाइज मतलब इस केस का उल्टा, यानी कि साइन ऐसे लग गया, यानी कि टी आई इज ग्रेटर देन टी जे, टाइम स्टैम्प जो टी आई का है वो ग्रेटर देन टी जे है, तो क्या हुआ, यंगर हो गई टी आई। टी आई अगर यंगर है तो अब उसको अबॉर्ट कर दो, अबॉर्ट टी आई। इस केस को अगर आप इमेजिन करो तो इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये टी वन है और ये टी टू है, ठीक है। टी वन वेट कर रही है टी टू के लिए और इसका टाइम स्टैम्प है लेट्स से 10 और ये है टाइम स्टैम्प टी टू। इसका मतलब क्या हुआ कि टी वन क्या है, ओल्डर है और टी टू यंगर ट्रांजेक्शन है। तो ओल्डर ट्रांजेक्शन जो है वो यंगर ट्रांजेक्शन के लिए वेट कर सकती है। यहाँ पे कह रहे हैं हम, अगर टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई लेट्स से ये टी आई है लेस देन टी जे है, यही कंडीशन है जो पहले वाली है, टी आई जो है टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई इज ग्रेटर लेस देन टी जे, देन टी आई इज ओल्डर देन टी जे, टी वन इज ऑल्डर देन टी टू, तो टी आई इज अलाउड टू वेट। तो टी वन जो है वो अलाउड टू वेट। मैंने कहा था कि दो ही काम हो सकते हैं, अगर वो वेट, या तो वो वेट कर सकती है या अबॉर्ट कर सकती है। लेकिन अगर क्या हुआ, अगर अदरवाइज टी आई इज यंगर देन टी जे, अगर अदरवाइज मतलब अगर ये 20 है और ये 10 है, अब क्या हुआ, ये है यंगर, टी वन क्या हो गई यंगर, एंड टी जे जो है वो ओल्डर हो गई है, क्योंकि इसका टाइम स्टैम्प 10 है अब उसका 20 है। तो इस केस में क्या होगा, टी वन को अबॉर्ट करना पड़ेगा। अगर ये ट्रांजेक्शन टी वन वेट कर रही है अगर यंगर ट्रांजेक्शन वेट कर रही है ओल्डर ट्रांजेक्शन के लिए, तो यंगर ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ओल्डर ट्रांजेक्शन वेट कर रही है यंगर ट्रांजेक्शन के लिए, तो उसको अलाउड है कि वो वेट करे, थोड़ी देर बाद उसको लॉक मिल सकता है। कंडीशन सिचुएशन कुछ ऐसे है, दो ट्रांजेक्शन से टी वन टी टू, इसका टाइम स्टैम्प है 10, इसका टाइम स्टैम्प है 20। तो जैसे टी टू जो है वो पहले से एक डेटा आइटम ए को लॉक करके बैठी हुई है शेयर्ड मोड में। टी वन ने कहा, इसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक्सक्लूसिव मोड में ए को लॉक करना है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। अब टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल का रूल लगेगा, वेट डाई का रूल लगेगा। वेट डाई कहेगा कि अगर टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई लेस देन टी जे है, यानी कि मुझे पता है कि ये तो ओल्डर है और ये यंगर है, तो ओल्डर ट्रांजेक्शन इज अलाउड टू वेट अकॉर्डिंग टू वेट डाई, तो ये वेट करेगी, ठीक है। इस केस में ये वेट करेगा, तो यहाँ पर आप सिंपली कह सकते हो कि ओल्डर ट्रांजेक्शन वेट्स एंड यंगर ट्रांजेक्शन डाइज। यहाँ पर आप इसको अभी सिंपल वे में ऐसे बोल सकते हो, अगर याद रखने की बात है, ओल्डर ट्रांजेक्शन वेट्स यंगर ट्रांजेक्शन डाइज, और ये नॉन पेरिमेटिव अप्रोच है। अगर यहाँ पे ऐसे होता, इसी केस में अगर ये ऐसे होता, टी वन टी टू और ये है 20 और ये है 10, इसने पहले से शेयर्ड मोड में लॉक किया हुआ डेटा आइटम ए को और ये एक्सक्लूसिव मोड में लॉक करना चाहते हैं। अब ये क्या है, यंगर ट्रांजेक्शन है और ये ओल्डर ट्रांजेक्शन है। मीन्स क्या है कि यंगर ट्रांजेक्शन जो है, यंगर ट्रांजेक्शन वेट कर रही है ओल्डर ट्रांजेक्शन के लिए,
ठीक है, क्योंकि टी वन का टाइम स्टैम्प है आपका 20 एंड टी टू का है 10, यंगर ट्रांजेक्शन और ये ओल्डर ट्रांजेक्शन। तो टी वन क्या होगा इस केस में, इसको अबोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर टी आई जो है वो यंगर ट्रांजेक्शन है तो वो डाइस, टी आई डाइस एंड रिस्टार्टेड लेटर विद द सेम टाइम स्टैम्प, ये याद रखने वाली बात है, विद द सेम टाइम स्टैम्प। इससे क्या होगा आपका स्टार्वेशन नहीं लगेगा विद द सेम टाइम स्टैम्प। अगर आपने नए टाइम स्टैम्प के साथ में स्टार्ट किया तो बात वही आ जाएगी जो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में थी, क्योंकि टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में हम क्या कर रहे थे, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हम रोल बैक करते हैं तो अगली बार जो स्टार्ट होगी वो नए टाइम स्टैम्प से स्टार्ट होगी, इसीलिए वहां पे स्टार्वेशन लग रहा है। लेकिन आप उसको थोड़ा सा चेंज कर दो, अगर वो सेम टाइम स्टैम्प के साथ में स्टार्ट हो तो स्टार्वेशन नहीं लग सकता, बार बार उसको रोल बैक नहीं करना पड़ेगा, बार बार वो एज ए विक्टिम सेलेक्ट नहीं होगी। तो ये है आपकी वेट डाई स्कीम। सेकेंड स्कीम है वेट वाउंड वेट, और ये स्कीम जो है ये प्रिमिटिव स्कीम है। इसको हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, प्रिमिटिव स्कीम है, इसमें कह रहे हैं कि टीएस जो आई ट्रांजेक्शन हमने जो शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी, टी आई वेट कर रही है, ठीक है, एक्चुअल में टी जे ने जो है वो लॉक किया हुआ है। सपोज दैट ट्रांजेक्शन टी आई ट्राइज टू लॉक एंड टी जे विद टी जे ने पहले से ही लॉक करके बैठा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, जो टी एस टी आई लेस देन टी एस टी जे, तो जो रिक्वेस्ट कर रही है वो टी आई है, जो रिक्वेस्ट कर रही है अगर वो ऑल्डर है, दिख रहा है ना, क्योंकि टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई इज लेस देन टाइम स्टैम्प ऑफ टी जे, यानी कि ये यंगर है, जिसका टाइम स्टैम्प ज्यादा वो यंगर, जिसका कम वो ऑल्डर, देन टी आई इज ऑल्डर देन टी जे, पता है हमें, तो अबाउट टी जे। इस केस में क्या होगा, ओल्डर ट्रांजेक्शन जो है वो यंगर ट्रांजेक्शन को वाउंड कर देगी, अबाउट टी जे, यानी कि टी आई वाउंड्स टी जे, ऐसी कंडीशन थी, टी आई टी जे, इसका टाइम स्टैम्प था 10, उसका टाइम स्टैम्प था 20, और टी आई जो है वो टी जे के लिए वेट कर रही थी, यानी कि ओल्डर ट्रांजेक्शन उस लॉक को रिक्वेस्ट कर रही है जो पहले से यंगर ट्रांजेक्शन ने लॉक किया हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, ओल्डर ट्रांजेक्शन जो है वो यंगर ट्रांजेक्शन को वाउंड कर देगी, यानी कि टी जे जो है उसको प्रिम्प्ट कर देंगे और वो लॉक जो है वो टी आई को दे दिया जाएगा। मतलब ऐसे है, टी आई टी जे, इसका टाइम स्टैम्प है 10 और इसका है 20, टी जे ने पहले से किसी डेटा आइटम को शेयर्ड मोड में लॉक किया हुआ है, अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है एक्सक्लूसिव लॉक सेम डेटा आइटम पे, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू वेट डाई स्कीम हम क्या कह रहे थे कि ओल्डर ट्रांजेक्शन वेट कर सकती है, तो उस और वेट डाई में ये वेट कर दी थी, लेकिन वाउंड वेट में उसका बिल्कुल उल्टा है, वाउंड वेट में यंगर वेट करेगी और ओल्डर जो है वो यंगर को प्रिम्प्ट कर देगी। तो इस केस में क्या होगा, टी आई जो है वो ओल्डर ट्रांजेक्शन जो यंगर ट्रांजेक्शन से कोई लॉक रिक्वेस्ट कर रही है, इस केस में ये टी आई जो है वो उसको वाउंड कर देगी, यानी कि वाउंड करने का मतलब क्या है कि जो टी जे है उसको हम क्या कर देंगे, टी जे को रोल बैक करेंगे, और जो उसने डेटा जो उसने शेयर्ड लॉक होल्ड किया हुआ था डेटा आइटम ए पे, वो लॉक इससे छीन के हम टी आई को दे देंगे, यानी कि ओल्डर ट्रांजेक्शन जो है वो यंगर ट्रांजेक्शन को मार देगी, उसको बाउंड करेगी, प्लस उसके पास में जो जो शेयर्ड लॉक जो लॉक उसने होल्ड किया हुआ था वो अब ओल्डर ट्रांजेक्शन को दे दिया जाएगा। इसका उल्टा अगर हुआ, रिस्टार्टेड लेदर विद द सेम टाइम स्टैम्प, याद रखना सेम टाइम स्टैम्प के साथ में स्टार्ट करना है, टी जे को आपने वाउंड किया फिर टी जे को बाद में स्टार्ट करोगे विद द सेम टाइम स्टैम्प, अदरवाइज अगर कंडीशन कुछ ऐसे हैं, अदरवाइज का मतलब ये कि इसकी उल्टी कंडीशन, यानी कि अगर टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई ग्रेटर देन टाइम स्टैम्प ऑफ टी जे है, यह है अदरवाइज वाला केस। तो इस केस में क्या करेंगे हम, मतलब क्या है कि टी आई जो है वो यंगर हो गई, टी आई यंगर हुई और टी जे ओल्डर, तो टी आई इज अलाउड टू वेट, मतलब यंगर ट्रांजेक्शन इज अलाउड टू वेट एंड ओल्डर ट्रांजेक्शन विल अबॉर्ट द यंगर ट्रांजेक्शन, अगर केस कुछ ऐसे हैं, टी आई टी जे टाइम स्टैम्प टी वन टी आई का है लेट्स से 20 और टी जे का है 10, तो इस केस से ये क्या हुआ यंगर और ये क्या हुआ होल्डर। तो यंगर ट्रांजेक्शन अगर कुछ रिक्वेस्ट कर रही है जो पहले से ओल्डर ट्रांजेक्शन ने होल्ड किया हुआ है तो ये वेट करेगी, ये वेट करेगी, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसे हैं कि टी वन टी टू दो ट्रांजेक्शन से, टी वन का टाइम स्टैम्प है 10 20 और इसका है 10, इसने पहले से शेयर्ड मोड में किसी लॉक को होल्ड किया हुआ है, डेटा आइटम ए पे शेयर्ड मोड लगाया हुआ है और ये रिक्वेस्ट कर रहा है एक्सक्लूसिव लॉक। तो इस केस में क्या हो रहा है, टी वन डिपेंड कर रहा है टी टू पर, टी टू जो है वो वेट कर रहा है टी टू के लिए, और टी वन क्या है, टी वन मुझे बताया कि यंगर ट्रांजेक्शन है क्योंकि टाइम स्टैम्प टी टू का टी वन का क्या है 20 और ये जो है ओल्डर है,
ये केस है। तो इस केस में ट्रांजेक्शन टी वन जो है वो वेट करेगी, इस केस में वेट करेगी। लेकिन अगर ये उल्टा हुआ, 10 और 20 हुआ, तो जो टी वन है वो जो ओल्ड, क्योंकि ये यंगर बन जाएगी और ये ओल्डर बन जाएगी, अगर मैं इनको स्वैप कर दूँ तो ओल्डर ट्रांजेक्शन जो है वो यंगर ट्रांजेक्शन को वाउंड कर देगी, उससे वो उससे जो उसके पास में जो लॉक था वो छीन लेगी। इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि जो आपकी ये वाली स्कीम है वो प्रिमिटिव स्कीम है। प्रिमिटिव क्यों? क्योंकि ये इसको वाउंड कर रहा है, इसको डिस्टर्ब कर दे रहा है रनिंग करते हुए। तो हम ट्रांजेक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल में डेडलॉक तक देख चुके हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन प्रोटोकॉल का एक बार रिव्यू देखते हैं कि हमने वाउंड वेट में एंड वेट डाई में क्या देखा। इन वेट डाई एंड ओल्डर ट्रांजेक्शन इज अलाउड टू वेट, जैसा मैंने बताया कि ओल्डर ट्रांजेक्शन को अलाउड है वेट करना, यंगर ट्रांजेक्शन जो है वो उसको हम अबॉर्ट कर देंगे या उसको रोल बैक कर देंगे ऑन यंगर ट्रांजेक्शन। वेयर इज अ यंगर ट्रांजेक्शन रिक्वेस्टिंग एन आइटम हेल्ड बाय ओल्डर ट्रांजेक्शन इज अबॉर्टेड एंड रीस्टार्टेड। वेट डाई जो है वो नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है। द वाउंड वेट डज नॉट डज द अपोजिट, यंगर ट्रांजेक्शन इज अलाउड टू वेट ओल्डर एंड ऑन एन ओल्डर वन, वेयर इज एन ओल्डर ट्रांजेक्शन रिक्वेस्टिंग एन आइटम हेल्ड बाय यंगर ट्रांजेक्शन प्रीम्प्ट्स, मतलब जो ओल्डर ट्रांजेक्शन है वो यंगर ट्रांजेक्शन को वाउंड करेगी और उससे वो जो लॉक है उसको प्रीम्प्ट कर लेगी एंड यंगर ट्रांजेक्शन बाय अबॉर्टिंग इट, और यंगर ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट करना पड़ेगा उसके लिए। जब उसको उससे लॉक छीनना है, जब ओल्डर ट्रांजेक्शन को यंगर ट्रांजेक्शन से लॉक छीनना है, प्रीम्प्ट करना है, तो उसको पहले उसको अबॉर्ट करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा, यानी कि डाई, यानी कि यंगर ट्रांजेक्शन डाइज और यंगर ट्रांजेक्शन वाउंड, इसलिए बोल रहे वाउंड वेट। इसमें ओल्डर ट्रांजेक्शन यंगर ट्रांजेक्शन को वाउंड करेगी, यंगर ट्रांजेक्शन जो है वो वेट करेगी। यंगर ट्रांजेक्शन इज अलाउड टू वेट, ओल्डर ट्रांजेक्शन वाउंड्स द यंगर ट्रांजेक्शन। इन दिस केस, इस केस में क्या हो रहा है, ओल्डर ट्रांजेक्शन अलाउड टू वेट एंड यंगर ट्रांजेक्शन डाइज। तो ये दो केसेस हैं। लास्ट में हमारे पास में स्टारवेशन, स्टारवेशन का हमें पता है कि एक ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में एक एक ट्रांजेक्शन जो है वो बार बार अबॉर्ट हो रही है, बार बार रोल बैक हो रही है और वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रही है, और बाकी जो ट्रांजेक्शन है वो नॉर्मली अपना एग्जीक्यूशन, उनका एग्जीक्यूशन चल रहा है, लेकिन एक ऐसी ट्रांजेक्शन या और भी हो सकती है जो बार बार अबॉर्ट कर दी जा रही है और वो इंडेफिनेट टाइम के लिए वेट कर रही है। तो प्रॉब्लम लॉकिंग इन लॉकिंग टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल और आपके टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, उन दोनों प्रोटोकॉल में स्टारवेशन पॉसिबल है। विच अकर्स व्हेन ए ट्रांजेक्शन कैन नॉट प्रोसीड फॉर एन इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम व्हाइल अदर ट्रांजेक्शन इन द सिस्टम कंटिन्यू नॉर्मली। अदर जो बाकी ट्रांजेक्शन है वो नॉर्मली कंटिन्यू है, उनका वो अपना काम कर रही है, लेकिन एक ट्रांजेक्शन ऐसी है जो बार बार हम एज ए विक्टिम सेलेक्ट करके रोल बैक कर दे रहे हैं। तो पहला सॉल्यूशन तो ये है कि हम जो लॉक्स हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में असाइन करें ट्रांजेक्शन्स को, जो पहले आया उसको लॉक पहले दें, जो बाद में आया उसको बाद में दें। तो इस केस से क्या होगा, स्टारवेशन नहीं होगा, बार सब सबको जो है सबको लॉक मिलेगा, चाहे वो बहुत टाइम बाद मिले, वेटिंग टाइम बढ़ सकता है, लेकिन सबको लॉक मिलेगा जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टेक्निक है। क्योंकि ये प्रिमिटिव टेक्निक नहीं है तो स्टारवेशन भी पॉसिबल नहीं है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। सॉल्यूशन दूसरा ये कि आप प्रायोरिटी दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी आप लॉक दे सकते हो। तो अगर किसी भी ट्रांजेक्शन की प्रायोरिटी बहुत कम है वो बहुत देर के लिए वेट करेगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हो कि वेटिंग टाइम के अकॉर्डिंग उसकी प्रायोरिटी इंक्रीज कर सकते हो। जो प्रोसेस जो ट्रांजेक्शन बहुत देर के लिए वेट कर रही है उसकी प्रायोरिटी बढ़ती रहेगी वेटिंग टाइम के साथ साथ, जब उसका बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम हो जाएगा उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई हो जाएगी। तो इससे भी क्या होगा, स्टारवेशन पॉसिबल नहीं है। कोई भी अगर वेट कर रहा है तो उसके चांसेस बढ़ रहे हैं कि उसको अगली बार जो है वो लॉक मिल जाएगा। तो लास्ट में वेट टाई और वाउंड वेट के बारे में एक सेंटेंस है, द वेट टाई एंड वाउंड वेट स्कीम्स आर डेडलॉक एंड स्टारवेशन फ्री। इन दोनों टेक्निक में ना तो स्टारवेशन है ना डेडलॉक है। स्टारवेशन फ्री क्यों है, क्योंकि आप जो कोई भी ट्रांजेक्शन अबॉर्ट कर रहे हो या रोल बैक कर रहे हो वो सेम जिस टाइम स्टैम्प के साथ में वो अबॉर्ट की गई थी उसी टाइम स्टैम्प के साथ में दोबारा वापस आएगी सिस्टम के अंदर। ओके सो ये आपका गेट 2017 का क्वेश्चन है जो कि वाउंड वेट पे है। इन ए डेटाबेस सिस्टम यूनिक टाइम स्टैम्प्स आर असाइंड टू ईच ट्रांजेक्शन यूजिंग लैम्पर्ट्स लॉजिकल क्लॉक। लैम्पर्ट्स लॉजिकल क्लॉक यही है कि जो पहले आएगा उसे हर एक ट्रांजेक्शन को यूनिक टाइम स्टैम्प देगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर में देगा, यह है लैम्पर्ट्स लॉजिकल क्लॉक। ये टाइम T1 इज द टाइम स्टैम्प ऑफ T1, टाइम स्टैम्प T2 इज द टाइम स्टैम्प ऑफ T1, T2 respectively. Besides, T1 holds a lock on the resource R. तो ये कह रहा है कि ऐसे हैं कि T1 है और ये T2 है
एंड टी वन होल्ड्स ए लॉक ऑन द रिसोर्स आर, तो टी वन ने पहले से ही कोई लॉक किया हुआ है डेटा आइटम आर को, रिसोर्स आर को, यहाँ पे कोई भी हो सकता है लॉक। टी टू हैज रिक्वेस्टेड अ कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक ऑन द सेम रिसोर्स, तो टी टू जो है ना कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक जो है वो रिक्वेस्ट किया है। कॉन्फ्लिक्टिंग क्या होगा, सोर्स शेयर्ड लॉक के साथ में, शेयर्ड लॉक के साथ में कॉन्फ्लिक्टिंग एक एक्सक्लूसिव लॉक ही हो सकता है। इसने कहा मुझे भी लॉक करना है रिसोर्स आर को, लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक में। द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज यूज टू प्रिवेंट डेड लॉक इन द डेटाबेस सिस्टम अज्यूमिंग दैट अ किल्ड ट्रांजेक्शन इज रिस्टार्ट विथ द सेम टाइम स्टैम्प। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आधा आंसर जो आपके क्वेश्चन का है वो मिल गया आपको, यानी कि क्या है, नो स्टारवेशन, स्टारवेशन पॉसिबल ही नहीं है हमने जैसे अभी देखा। अगर सेम टाइम स्टैम्प के साथ में स्टार्ट कर रहे हो तो स्टारवेशन तो पॉसिबल है ही नहीं, तो आपको आधे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब एल्गोरिथम क्या कह रही है, इफ टाइम स्टैम्प ऑफ टी टू इज लेस देन टाइम स्टैम्प ऑफ टी वन, यानी कि टी टू का टाइम स्टैम्प जो है वो लेस देन है टी वन से, टी वन का बड़ा है और टी टू का छोटा है, यानी कि टी टू क्या है, ओल्डर ट्रांजेक्शन है क्योंकि इसका टाइम स्टैम्प कम है, और टी वन जो है वो यंगर ट्रांजेक्शन है। तो अगर ऐसी कंडीशन हुई तो टी वन इज किल्ड, कौन किल्ड हुई है, यंगर ट्रांजेक्शन, ये क्या कर रहा है, यंगर इन दिस केस यंगर ट्रांजेक्शन इज किल्ड, एल्स टू टी टू वेट्स। अगर ये केस नहीं है तो क्या होगा, अगर ये केस नहीं है मतलब क्या है कि जो आपकी टाइम स्टैम्प है वो ऐसे हैं, अगर ये वाला केस हुआ टी वन टी टू एंड टेन ट्वेंटी शेड लॉक ऑन रिसोर्स आर एक्सक्लूसिव लॉक ऑन आर, तो टी टू वेट्स, अगर टी टू यंगर ट्रांजेक्शन है तो वो वेट करेगी। T1 क्या थी आपकी, T1 यंगर ट्रांजेक्शन थी एंड T2 वेट्स, T2 क्या है आपकी, लेट्स से आप यहाँ पे देखें तो T2 ओल्डर ट्रांजेक्शन है, यानी कि ओल्डर ट्रांजेक्शन अगर केस इसके अपोजिट है, अपोजिट केस क्या होगा, मतलब टाइम स्टैम्प ऑफ T2, अगर टाइम स्टैम्प ऑफ टी टू इज लेस देन टाइम स्टैम्प ऑफ टी वन है तो ये एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जो आपकी यंगर ट्रांजेक्शन थी वो किल्ड कर देंगे, यंगर ट्रांजेक्शन इज किल्ड। अगर टाइम स्टैम्प ऑफ टी टू ग्रेटर देन टाइम स्टैम्प ऑफ टी वन है, यानी कि टी टू क्या हुआ, अब यंगर ट्रांजेक्शन थी, टी वन टी टू अब यंगर ट्रांजेक्शन है, तो यंगर ट्रांजेक्शन विल वेट, यंगर ट्रांजेक्शन वेट्स। तो अगर ओल्डर ट्रांजेक्शन कोई भी लॉक रिक्वेस्ट कर रही है जो कि यंगर ट्रांजेक्शन ने होल्ड किया हुआ है, तो क्या करेगी, यंगर ओल्डर ट्रांजेक्शन जो है यंगर ट्रांजेक्शन को किल्ड, यानी कि यंगर ट्रांजेक्शन इज किल्ड एंड वो लॉक दे दिया जाएगा ओल्डर ट्रांजेक्शन को। अगर ट्रांजेक्शन जो रिक्वेस्ट कर रही है अगर वो आपकी यंगर ट्रांजेक्शन है तो वो वेट कर सकती है, उल्टा हो गया केस, क्योंकि यहाँ पर अभी ओल्डर है टी टू और टी वन यंगर है। जब इसका उल्टा केस होगा तो क्या होगा, टी टू होगी टी टू यंगर होगी और टी वन ओल्डर होगी, तो उस केस में यंगर ट्रांजेक्शन वेट कर सकती है और ओल्डर ट्रांजेक्शन क्या करेगी, वाउंड कर देगी। अगर आपको ध्यान से देखें, ये एल्गोरिथम कुछ नहीं है, ये वाउंड वेट की एल्गोरिथम है, एंड वाउंड वेट की एल्गोरिथम हमें पता है कि स्टारवेशन एंड डेडलॉक फ्री है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द डेटाबेस सिस्टम इज बोथ डेडलॉक एंड स्टारवेशन फ्री। सो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं आपका कंप्लीट कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, जिसमें हम टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल के सारे वेरिएशन देख चुके हैं, हम टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के सारे वेरिएशन देख चुके हैं, डेडलॉक एंड स्टारवेशन देख चुके हैं, फाइनली हम समरी देखते हैं क्या है। टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल इज नॉट डेडलॉक एंड स्टारवेशन फ्री, सो वी यूज टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, यही रीजन था कि हम टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं सीरियलाइजेबिलिटी एंड रिकवरेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। अब हमारे पास में टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के भी दो वर्जन थे, बेसिक एंड स्ट्रिक्ट। बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में अलाउ शेड्यूल्स विच आर इररिकवरेबल, सो इररिकवरेबल शेड्यूल पॉसिबल है अभी भी बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में, लेकिन स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में हमने क्या किया, इसमें कुछ कंडीशन लगाई और बेसिक के साथ में और इररिकवरेबल शेड्यूल को डिसअलाउ कर दिया। अब हमारे पास में जो स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के अंदर शेड्यूल्स होंगे वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल होंगे एंड स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल मिलेंगे। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल इज फ्री फ्रॉम डेडलॉक बट नॉट फ्री फ्रॉम स्टारवेशन, इसका मतलब क्या है,
टाइम स्ट्रिंग ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल इज फ्री फ्रॉम डेडलॉक बट नॉट फ्री फ्रॉम स्टारवेशन. स्टारवेशन की प्रॉब्लम अभी भी है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में. डेडलॉक फ्री तो है लेकिन स्टारवेशन की प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमने वेट टाई एंड वाउंड वेट यूज किया था. वेट टाई इज नॉन प्रिमिटिव प्रोटोकॉल फॉर डेडलॉक प्रिवेंशन एंड वाउंड वेट इज प्रिमिटिव प्रोटोकॉल फॉर डेडलॉक प्रिवेंशन. वेट टाई एंड वाउंड वेट आर डेडलॉक फ्री एंड स्टारवेशन फ्री. दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द वेरी बिग चैप्टर इन विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फील द कन्फ्यूजन. यही एक चैप्टर है ट्रांजेक्शन्स एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल का, जिसमें बहुत लोग क्वेश्चन गलत करके आते हैं गेट में और यूजी नेट में. सो आई होप के इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद, इस पूरे चैप्टर के जो भी हमने सीरियलाइजिबिलिटी के लेक्चर्स थे, रिकवरेबिलिटी एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल, डेड लॉक, स्टारवेशन, इन सबको देखने के बाद में कोई क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए आपका. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.